गैंगस्टर्स के कैरेक्टर रियल लाइफ में जितने डरावने होते हो, फिल्मों में उनका अलग ही क्रेज होता है। नो डाउट गैंगस्टर वाली पर्सनालिटी बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट भी करती है। इस वक्त जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की चर्चा पंजाब समेत देश भर में हो रही है, कारण उसका कुछ दिनों पहले दिया गया एक इंटरव्यू। खैर, इस इंटरव्यू को देखकर झारखंड की दो बहनें इतनी पागल हो गई कि उससे मिलने के लिए दिल्ली, जहां फिलहाल वो दोनों रहती हैं, से बठिंडा पहुंच गई। दोनों को जेल के बाहर सेल्फी लेते पकड़ा गया। बठिंडा सेंट्रल जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जेल से टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू को देखने के बाद दिल्ली की दो नाबालिग लड़कियों को ऐसा क्रेज चढ़ा कि उन्होंने लॉरेंस को मिलने की ठान ली। दोनों लड़कियों ने अपनी फैमिली को झूठ बोला। अमृतसर जाने का कहकर दिल्ली की शकूर बस्ती से फाजिलका की टिकट लेकर ट्रेन में बैठ गई और बठिंडा रेलवे स्टेशन पर उतर गई। इसके बाद ऑटो से दोनों लड़कियां केंद्रीय जेल तक पहुंची। वहां पर जेल प्रशासन ने दोनों को हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने दोनों लड़कियों की फैमिली को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने उनके मोबाइल खंगालने के साथ साथ पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी की माने तो सेंट्रल जेल तक पहुंची लड़कियों में से एक 9th और दूसरी 8th की स्टूडेंट है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू देखकर उनमें उससे मिलने का क्रेज पैदा हो गया था। उन्होंने सोचा कि जहां लॉरेंस बंद है उसी जेल के बाहर सेल्फी लेंगे और दोस्तों को दिखाएंगे। उनके लिए लॉरेंस के लिए क्रेज किसी फिल्मी हीरो की तरह था। दोनों लड़कियों के फोन में लॉरेंस की काफी सारी फोटोज भी मिली। जेल स्टाफ से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों से इनिशियल इंक्वायरी के बाद लोकल पुलिस को बुलाकर उनके हवाले कर दिया गया है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इन दिनों एक बार फिर सुर्खियों में है। जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने बीते दिनों एक निजी चैनल को साक्षात कर दिया और एक बार फिर से पंजाब में हलचल तेज हो गई। लॉरेंस के इस इंटरव्यू के बाद से पंजाब पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले पर अब पंजाब के DIG ने भी सफाई दे दी है। DIG गौरव यादव ने गुरुवार को कहा कि लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू बठिंडा जेल में नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जेल में जैमर्स लगे हुए हैं।